वो आता है कि भाई मैं वर्जिन हूँ कि नहीं हूँ, मेरी शादी कब करा रहे हो? बेस्ट फ्रेंड है मेरी एक। तो हाँ भी मेरे जिगरों, क्या हाल चाल सभी को, जय श्री श्याम और भाइयों को राम राम। मैं फंस गया ना, मैं क्या कहूँ, टेढ़े मेढ़े शॉट मत लिया कर, निकल बाहर। तो हाँ भी मेरे जिगरों, क्या हाल चाल सभी को, जय श्री श्याम भाइयों को राम राम। तो आप में से बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि जतिन भाई कहाँ मर गए, बड़ी वीडियो लाओ, बड़ी वीडियो लाओ। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई क्यों नहीं वीडियो लाओ, क्यों नहीं वीडियो लाओ। मैंने आपसे अपनी YouTube की कम्युनिटी पोस्ट और Instagram की स्टोरी पे कहा था क्वेश्चन पूछो, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। और मैं सारे क्वेश्चन के आंसर तो दे नहीं सकता, लेकिन जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ना, जो कि हर कोई पूछ रहा है, तो मैं आपको उनके आंसर देने वाला हूँ। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन थे, पहले मैं उनके आंसर देने वाला हूँ जो कि है मेरे बारे में। तो भाई मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम है जतिन ग्रोवर, जो कि आपको पता ही है। और पहले बता दूँ, मैं राज ग्रोवर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज जो आती है मेरे बारे में वो है मेरी एज, मैं हूँ 17 साल का। आई नो बहुत से लोगों को शॉक लगा होगा सुन के, क्योंकि बहुत से लोगों को मेरी एज कुछ ज़्यादा ही लगती है, मतलब रियल लाइफ में भी और ये सोशल मीडिया की दुनिया में भी सब लिखते रहते हैं भाई 21 क्यों वगैरह वगैरह वगैरह, आपकी शादी कब होगी। भाई शादी लायक तो अभी छोड़ो, मैं अभी पढ़ी रहा हूँ, शादी लायक तो मैं हुई नहीं बिल्कुल भी, मेरी एज बहुत कम है, मैं 17 साल का हूँ। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है वो है मैं कहाँ रहता हूँ, भाई मैं दिल्ली से हूँ। और बस इतना ही मेरे बारे में है, इतना कुछ मेरी लाइफ के बारे में है नहीं, बाकी तो आप लोग ब्लॉग्स में देखते रहते हो लाइफ में कितने कांड चलते हैं। बाकी और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं मेरे बारे में ही हैं, जो कि काफ़ी सारे लोगों ने पूछे हैं, तो मैंने मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा क्यों जा रहा है, कि भाई तुम वेज हो कि नॉन वेज हो, मतलब क्या करोगे, पप्पी लेनी है क्या? भाई मैं हूँ नॉन वेजिटेरियन, पहले एक सेकंड, मैं वेजिटेरियन हूँ, सॉरी, मैंने पहले नॉन वेजिटेरियन था, अब मैं वेजिटेरियन हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ओके मैं वेजिटेरियन हूँ, ये हो गया। अब भाई सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि भाई मैं वर्जिन हूँ कि नहीं हूँ। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आई होप मम्मी ये व्लॉग को यहाँ तक ना देखे, स्किप कर दे इस पार्ट को। तो भाई आता है तो मेरी वर्जिनिटी पे शक कर रहे हो, भाई मैं 17 साल का हूँ और भाई शादी कब कर रहे हो। भाई इस चीज का आंसर मेरी मम्मी से पूछ लेते हैं। हेलो मम्मी, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये, मेरी शादी कब करा रहे हो? चुप! कल करवा रहे हो फिर पक्का? कंट्रोल कंट्रोल। लड़की तो बहुत है डीएम में। चलो ठीक है, करता बात मैं आपसे। तो भाई मिल गया आंसर, मम्मी कह रही कल ही कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो बता दो कमेंट में कौन कौन शादी करना चाहती है। भाई अब जो चौथा क्वेश्चन है ना, जो कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, भाई अपनी एक्स का नाम बताओ। हर वीडियो में अपनी एक्स कैसे ऐसी मारते रहते हो उसको, कभी नागिन बोलते हो, कभी सांप बोलते हो, कभी डंक मारना बोलते हो, क्या क्या बोलते रहते हो, तो अपनी एक्स के बारे में बताओ। देखो भाई मेरी कोई एक्स नहीं है, ठीक है, बाकी तो भाई देखो मेरी कोई एक्स नहीं है। चल झूठा, वो एक्स जस्ट एक थोड़ा तुमको हंसाने टाइप से मैंने बोला, मेरी कोई एक्स वगैरह नहीं है, तुम्हारा भाई कोई एक्सपेक्ट नहीं रखता और मैं सिंगल हूँ। और हाँ, ये क्वेश्चन भी, अगला क्वेश्चन यही था कि क्या हूँ मैं सिंगल हूँ, क्या हूँ मेरी जीएफ वगैरह है, तो तीन क्वेश्चन के आंसर यहीं पर ले लूँ। भाई मैं सिंगल हूँ, मेरी कोई एक्स इन मतलब पहले पास्ट में नहीं है, और तीसरी चीज़ जो है गर्लफ्रेंड प्रेजेंट में मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी एक्स भी नहीं है, और दूसरी और एक चीज़ और पूछी गई है, तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड है? भाई हाँ। ओह, बेनिफिट का कोई सीन नहीं है, बहुत मालूम, सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है। और भाई अब अगला क्वेश्चन आता है, तुम्हारी ट्वेल्थ में परसेंटेज कितनी आई? कसम से कह रहा हूँ, अब जो अगर मेरे रिश्तेदार ये वीडियो देख रहे होंगे उनके कान खड़े हो गए होंगे, हाँ भाई ये वाली वीडियो सुनो, क्या बोल क्या रहा है, फिर देख फूफा के लड़के को बताऊंगा उस कितनी आई है परसेंटेज वगैरह। तो ओके परसेंटेज सुन लो रिश्तेदारों, मेरी परसेंटेज आई है ट्वेल्थ में 74, मैं आप लोगों को बता दूँ। और अगली जो चीज़ है वो है कि भाई ट्वेल्थ के बाद क्या करने वाले हो? भाई ट्वेल्थ के बाद मैं जो हूँ अभी तो कुछ नहीं कर रहा, अभी तो बेरोजगारी बैठा हूँ, सिर्फ वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ। तो ट्वेल्थ के बाद जो बात चल रही है, ट्वेल्थ के बाद मुझे क्या करना है, वो है अभी बीए करेंगे, बीए के साथ साथ कोई कोर्स का सोच रहा हूँ, तो कोर्स भी कर लेंगे, ऐसा कुछ सोच रहा था। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिन में कितनी बार, भाई दिन में तीन बार खाना खाता हूँ मैं, हरामी हूँ। तो भाई अगला है,
भाई तुम इतनी गाली देते हो, तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं कहते क्या? और पहली बात तुम्हें गाली नहीं देता भाई, मेरी एक उठे देखो मैं तुम्हें गाली दियो भाई, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ, मुझे तुम गलत ही बदनाम कर रहे हो, मैं मुझे गाली का गर्व भी नहीं आता, मैं गाली वाली नहीं देता। बाकी कैसे चुम्बेश्वरी वाले बंदे हो यार तुम, कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है ऐसी बातें मत करो, वो गाली वाली मुझे आती नहीं है बिल्कुल भी। अगला चीज़ है भाई, तुमको कैसा फील हो रहा है फेमस होने के बाद? देखो भाई अभी इतना फेमस तो मैं हुआ नहीं, ठीक है, बाकी हाँ कुछ है, लोग आते हैं फोटोज़ वगैरह क्लिक कराते हैं, और नेक्स्ट चीज़ ये भी होती है कि उसी मतलब लोग फोटोज़ वगैरह क्लिक कराते हैं, ऑटोग्राफ वगैरह कराते हैं, मतलब बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया फील होता है कि क्या ही बताओ। तो भाई इसी को रिलेटेड एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा है कि पहले घर वाले कितनी इज्जत करते थे फेमस होने से पहले और फेमस होने के बाद। भाई सही बताऊंगा, बिल्कुल सही बात बताऊंगा। देखो भाई मेरे घर वालों सुनो, तुमको बात बुरी लग सकती है बट क्लियर कर दूँ, भाई पहले भी इज्जत नहीं थी और अभी भी इज्जत नहीं है, सही बता रहा हूँ। तो बिल्कुल मत सोचना कि अगर तुम बहुत पहाड़ पे भी चढ़ जाओगे ना तुम्हारी इज्जत होगी, इज्जत के नाम पे घंटा कुछ नहीं होगा, बेइज्जती तब भी होगी भाई, घर में तुम्हारी औकात वही है, बेशक तुम आज यहाँ और यहाँ पहुँच जाओ, कहीं भी पहुँच जाओ, तुम्हारी औकात वही रहेगी। ओके तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रश कौन है आपकी? भाई देखो अगर क्रश की बात है ना, मैंने अभी तक ना क्रश ही बनाई है, मेरी हर एक सेकंड बाद क्रश बन जाती है। मैं रोड पर चल रहा हूँ, लड़की देखी क्रश बन गई, हग रहा हूँ फोन में वीडियो देखी क्रश बन गई, वहाँ से गुजरा लड़की देखी क्रश बन गई, हरामी इंसान। तो अगला क्वेश्चन है, तो भाई मिट्ठू और चिकनी कब आएंगे व्लॉग्स में? भाई मिट्ठू और चिकनी जल्द ही आएंगे, मिट्ठू तो सामने बैठा है। ओके तो मिट्टू सामने है और चिकनी जल्द ही आएगी व्लॉग में, चिकनी अपने हाथ की उंगलियां जुड़वा के बैठ गया, ये वाली उसके यहाँ पे कुछ हो गया था, कह रहा था मैंने उंगली दी थी दरवाजे में तो चोट लग गई थी। और अगला क्वेश्चन है, अगर आप YouTube नहीं चला रहे होते तो क्या कर रहे होते? और YouTube नहीं चला रहा होता तो पढ़ाई कर रहा होता, और क्या करता? पढ़ाई कर रहा होता या फिर साथ में कोई जॉब कर रहा होता, ट्वेल्थ के बाद घर में तो बैठता नहीं यार। आपकी कोई माल है सच बताओ, तमीज नहीं भाई बोलने की, माल क्या होता है? और भाई एक क्वेश्चन और है कि भाई वो क्वेश्चन है, तुम इतने क्यूट क्यों हो? यह क्वेश्चन का आंसर मैं अपनी मम्मी से पूछना चाहूंगा कि भाई मैं इतना क्यूट क्यों हूँ। हेलो मम्मी एक क्वेश्चन पूछना एक और, मैं इतना क्यूट क्यों हूँ? बताओ ना मैं इतना क्यूट क्यों हूँ, क्यों इतना सुंदर कैसे बनाया आपने मुझे? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। इतना सुंदर कैसे बना दिया आपने मुझे? खुद की तारीफ कर ली, मेरे पे गया आता है यार, मम्मी भी सही है मेरे पे गया, मेरे लिए कोई इज्जत ही नहीं है। और कई बंदे एक अगला क्वेश्चन ये है कि जब आपके 1,00,000 सब्सक्राइबर हुए थे तो आपकी मम्मी का क्या रिएक्शन था, जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी डाल रखा है प्यार वाले सेक्शन में, या फिर माइलस्टोन या यूट्यूब के उसमें डाल रखा हाईलाइट में। तो नीचे इंस्टाग्राम की आ रही है आईडी, जाके फॉलो कर लो, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है तो फॉलो कर लेना वहाँ पे जाके, ठीक है? और वहाँ पे भी 10,000 फॉलोअर्स हो चुके थे, थैंक यू सो मच। और वहाँ पे मेरी मम्मी का रिएक्शन तो यही था, मेरी मम्मी भाई इमोशनल हो गए थे, मम्मी रोने लग गए थे, तो जो काफ़ी था इमोशनल था मेरे लिए, काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट फैन मीट जो है मेरा, मैं आपको बता दूं, इस पर मुझे एक लड़की ने बोला था कि मैं आपको आपके लिए एक पेंटिंग बनाई है, मतलब एक स्केच बनाया है, मैं आपको देना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ओके, तो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी यार, 2,000 सब्सक्राइबर्स पे और यूट्यूब पर जब मेरे इंस्टा पे 3,000 से 4,000 फॉलोअर्स है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरे लिए कोई ये सब बना के ला रहा है। अब आता है जी एक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई कितना कमा रहे हो? बहुत से लोग सोच रहे हैं मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ, इतना पैसा कमा रहा हूँ, चलता हूँ तो पैसा गिरता है, हगने बैठता हूँ तो नालियाँ जाम हो जाती है नोटों से, ऐसा नहीं है भाई। लेकिन अभी जो मेरी फर्स्ट इनकम आई है, मतलब इनकम अभी मेरे पास नहीं आई है, इनकम सिर्फ अभी YT स्टूडियो में बनी पड़ी है, जो कि एडसेंस में ऐड होने के बाद बनेगी। तो मैं आपको बता दूँ वो इनकम मान लो मेरी होगी, चलो अभी मैं एक वीवो V27 ले सकता हूँ, इतना मान लो आराम से। और हाँ सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन भाई, इतने लोग पूछ रहे हैं भाई माइक कौन सा यूज़ करते हो, भाई एडिटिंग ऐप कौन सा यूज़ करते हो, फ़ोन कौन सा यूज़ करते हो? देखो भाई ये वाला फ़ोन था जिससे स्टार्ट किया था, तुम देख ही लोगे वाला फ़ोन है ये है भाई, वीवो V27 ही है, इससे मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, एडिटिंग शूटिंग रिकॉर्डिंग सब कुछ मैंने इसी से करा है। अब जाके मैंने दोबारा एक और फ़ोन लिया है जो कि एंड्रॉयड ही है, करते रहो। और दूसरी चीज़ लोगों ने बोला तुम्हारा रिएक्शन क्या था, मैं बता रहा भाई, रात को 2,000 फॉलोअर्स देख के सोया था, सुबह उठा 10,000 ऊपर, फिर 10,000 करते करते 11,000 तक पहुँचे,
बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि भाई एक हफ्ते के अंदर मैं भाई 3.5 लाख सब्सक्राइबर पार कर दूंगा। मेरे लिए भाई ऐसी अचीवमेंट थी ना, मैं क्या हुआ। तो भाई मैं श्याम जी का हाथ जोड़े, थैंक यू सो मच भगवान, भाई एकदम पागल सा हो गया था मैं। हुआ क्या है, मैं सोया, मतलब मैं रात को 10 के देख के सोया 11 के 500 उसके हिसाब से थे। मैं सुबह उठा, उठ के मैंने देखा 70K, मैं हिल गया देख के। भाई मेरी फर्स्ट जो वीडियो वायरल हुई थी वो थी बीटेक पानी पूरी वाली, फिर धीरे धीरे करके मेरी सारी वायरल होने लग गई क्योंकि लोगों को सब पसंद आने लग गया। होता है ना कि एक वीडियो वायरल होती है लोग और देखते हैं कि भाई और कैसी है, करते 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 सारी वायरल हो गई। भाई बहुत अच्छा फील होता है मुझे इस चीज़ को देख के। इतने ही रुझा देख लेता हूँ। हाँ भाई, इतने ही क्वेश्चन थे जो कि खत्म हो गए हैं, सारे क्वेश्चन को एंड करते हैं यहीं पे, क्वेश्चन खत्म हो गया। और आपको बता दूँ, अगर तुम सोच रहे हो मेरे पास बहुत पैसा है, पैसे वैसा कुछ नहीं है भाई, ये दोस्त का सेटअप है। अगर तुम पूरा भाई को पूरा बिल्ड विल्ड करा लिया, पैसा वैसा खा लिया, पहली कई लोग हैं जो नज़र लगा देते हैं और कॉपी कर लेते हैं चीज़ों को, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन डालनी है, ठीक है। ये दोस्त का बैकग्राउंड है घर पर, मैं घर पर ही नहीं था वरना अपने रूम में शूट करता, भाव तो दोस्त के घर पर शूट कर रहा हूँ। तो बस ये चीज़ है कि हाँ, एक चीज़ और थी भाई, हेटर्स को क्या कहना चाहोगे। हेटर्स तो मैं बहुत उल्टा बोलते हैं, गालियाँ आती है, क्या बनाता हग रहा है वगैरह वगैरह, कंटेंट में हग रहा है। भाई तुम भी हग लो, हगना आसानी है भाई, बैठना है और जोर लगाना है, तुम भी हग लो यार, और क्या करना है, तुम भी बैठो हग दो और ले लो व्यूज़ भाई। अगर हक के व्यूज़ मिल रहे हैं, अगर हक के पैसा मिल रहा है भाई, तू नहीं हकेगा, हकेगा ना भाई। हाँ, सारे तीनों लाइन में बैठ के हकेंगे यार, जितने भी इधर बंदे बैठे हैं, अगर हक के पैसा मिल रहा भाई आप भी हगिए। तो भाई इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो नीचे कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को हम पिकअप कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी। बाकी शॉर्ट्स तो चलती रहेंगी, अपनी चल रही है, तो अगर कोई क्वेश्चन रह गया और थोड़ी सी भी हंसी आई हो तो भाई वीडियो को कर देना लाइक, कर देना मतलब देखो अगर पसंद आई हो तो करना लाइक कमेंट और मतलब सब्सक्राइब भी तभी करना, ऐसे नहीं बेफालतू में सब्सक्राइब करके निकल जाओ, ऐसा नहीं चाहिए भाई। अगर पसंद करते हो अपने भाई को, लाइक करते हो तो करना, और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।